अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू नूर्स किचन डेली लाइव ब्लॉग। फ्रेंड्स, अभी सुबह का वक्त हो रहा है, टाइम हो रहा है 5:30 और सूरज की रोशनी बहुत लाइट होती है इस वक्त, और इसी वक्त सन को गौर से देखने से और पलक झपकाने से अलग सा रिफ्लेक्शन होता है और सन जो है डिफरेंट टाइप का आपको इस वक्त नज़र आता है। मैं खुद महसूस की, मैं खुद करके देखी हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो आज हम लोग अपना खेत घूमने आए हुए हैं, तो हल्दी भी है आज, तो हम लोग यहाँ पे फूल तोड़ रहे हैं। इसी फूल का मैं टीका अपने बहन लोग का बनाऊँगी। तो मेरे दादी घर और हम लोग का अपना घर में आज दूसरा दिन है, तो हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं, इसलिए मैं एक दिन भी मिस नहीं कर रही हूँ, रोज़ कहीं ना कहीं निकल जा रही हूँ घूमने के लिए। तो आज हम लोग खेत घूमने आए हैं, तो वही ये सब पेड़ देख रही थी। और ये जो लीची का पेड़ है, मुजफ्फरपुर का फेमस लीची का पेड़ है, और इसमें फल तो अभी आ गया है पर ये पका नहीं है अभी, अभी इसको पकने में एक महीना और टाइम लगेगा। फल हम लोग ये आप लोग खरीद के बहुत सारा खाते होंगे, मगर अपने घर के पौधे से तोड़ कर खाने में जो मज़ा है वो खरीद के खाने में मज़ा ही नहीं है। बहुत ही अफसोस का बात है, जब ये फल पक के तैयार होगा तो हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं, हम लोग कोलकाता में रहेंगे। और हम लोगों का चचेरा भाई बहन लोग मज़े ले लेकर लीची फल खाएँगे। और इस फूल को मैं बढ़ने दे रही हूँ, जब जाऊँगी जिस दिन उसी दिन तोड़ कर ले जाऊँगी, इसका आई क्रीम बनाना है। हम लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करके एक घंटे में रिटर्न वापस भी आ रहे हैं और सूरज ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने तीसरे नंबर वाली चाचा के घर, तो चाची बहुत सारा सब्जी फूल का पेड़ लगाई हुई है, तो मैं यहाँ पे आज बहुत सारा बैगन तूर के ले जाऊँगी और इसका बनेगा सालन, अम्मी बनाएगी। तो यहाँ चाची लगाई हुई थी बैगन का पेड़, यहाँ गुलाब का फूल, तो गुलाब का फूल मैं शाम में ले जाऊँगी, इसका बनाना है गुलाब का टीका, फूल का टीका, तो गुलाब लगेगा ही। तो ये सब खिला हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ, और सुबह अभी सुबह का वक्त है, शाम में ले जाऊँगी क्योंकि हम लोग यहाँ शाम में हल्दी लगता है। और यहाँ टमाटर है, तो जो पक्का पक्का टमाटर है उसको मैं तोड़ लूँगी बैगन में डालने के लिए। और चची के पास इतना बैगन होता है, इतना बैगन कि चची दूसरों को बांटती है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी, तो अब भी हम ही लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हम ही लोग ले जा रहे हैं तुर तुर कर बैगन, टमाटर, पपीता, ये सब चची के घर में भरा हुआ है। और ये चची मेरी अभी अकेली रहती है घर पे, तो इसका खाने वाला भी कोई उतना नहीं है, तो सब इनका जो है दूसरों को देने पड़ता है इनको। और यहाँ देखिए इतने छोटे छोटे पेड़ में पपीता है, तो मैं कुछ पपीता ले लूँगी जो पक गया है और कुछ छोड़ दूँगी, जब जाने लगूँगी तो यहाँ से ले कर जाऊँगी। ये बेचारा अकेला ही तन्हा है, इसमें एक ही फल लटक रहा है, ये अभी कच्चा है, इसको मैं नहीं तोड़ूँगी। और ये वाला मैं देखिए इतने सारे फल पके पके लटक के हुए हैं, मैं इसमें से तोड़ लूँगी। ये दोनों जो है मुर्गी का घर है, एक मिट्टी वाला एक पक्का वाला। और ये काला प्लास्टिक से ढक के लकड़ी है चूल्हा में जलाने के लिए। और चच्ची का यहाँ किचन है, और किचन में गैस, ज़रूरत का सामान सब रखी हुई है। इतना बड़ा किचन है चच्ची का, देखिए इतना बड़ा किचन। और यहाँ पे चच्ची बोल रही है ये पपीता तोड़ लेने के लिए, पर मैं हम लोग नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये अभी कच्चा है। और चच्ची लोग पक्का पपीता ही को सिर्फ जानती है कि इसको खाया जाता है, कच्चा पपीता को जानती नहीं है कि इसका भाजी भी बनता है। तो हम लोग जब भी आते हैं पपीता लेकर, जब भाजी बनाते हैं तो हम लोगों का मजाक उड़ाती है कि भाजी, पपीता का भाजी खाती है लोग। यहाँ हम लोग के किचन गार्डन से इतना सारा फल और सब्जी मिल गया है, बैंगन का बनेगा सब्जी, पपीता का बनेगा भाजी, और पक्का पपीता हम लोग सुबह सुबह खाएंगे क्योंकि ये लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और चच्ची यहाँ देसी मुर्गी का अंडा भी बोली ले ले जाकर खोल्डा में से, मुर्गी के घर को खोल्डा बोला जाता है। और डायरेक्ट मैं मुर्गी के घर में हाथ डाल दी और उससे बच बचा कर मुर्गी से मैं उसका अंडा ले ली हूँ, और इसको तल के मैं अनम को खिलाऊँगी यहाँ पर। तो अनम को यहाँ पर एक फ्राई करके मैं नहीं दी हूँ, ऐसे मैं पानी में इसको हल्का सा डालकर और उसको खूब स्क्रम्बल बनाकर इसको मैं खिला रही हूँ, क्योंकि एक का गुडनेस मिलना चाहिए बच्चे लोग को। तो ये अनम भी एक स्क्रम्बल मज़े ले लेकर खा रही है, वो भी खुद से खा रही है। और ये आर्म चेयर जो देख रहे हैं मेरी अम्मी की शादी का चेयर है, बहुत पुराना और बहुत मजबूत है, इसीलिए पुराने ज़माने के लोग कहते थे ओल्ड इज़ गोल्ड। खैर, मेरे आज कज़न सिस्टर की हल्दी है, तो आज ये तीनों ब्रदर, मेरा कज़न ब्रदर है, तो ये सब डेकोरेशन करना शुरू कर दिया। और ये सबसे बड़ा वाला है, तो ये बोल रहा है मेरा अच्छा सा वीडियो लेने के लिए,
कज़न सिस्टर कज़न ब्रदर मैं बोल रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, लगता है सब अपना ही है। मेरा भाई मेरे बहन की शादी है, कज़न ब्रदर सिस्टर को यहाँ पे ऐसे बोला जाता है। तो सुबह सुबह का वक्त है और स्कूल में अभी हो रही है पढ़ाई। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।